आवाज नहीं आ रही, आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? पीछे पिछले हाथ खड़ा करेंगे, आ रही है? पीछे आवाज नहीं जा रही। भारत माता के, बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा विधानसभा के हमारे बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष, पंचकुला के हमारे विधायक आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, जनरल जे एस नैन जी, श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे जिला के अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी, भारत भूषण भारती जी, डॉक्टर विजेंद्र कुमार जी आईएएस, डॉक्टर विवेक अग्रवाल जी आईआरएस, डॉक्टर आर एस ढिल्लो जी आईएएस, और हमारी श्रीमती हिमांद्री शर्मा जी आईपीएस, विजेंद्र हुड्डा जी एससीएस, राजकुमार जी, संजीव शर्मा जी, और आज अंतर्राष्ट्रीय इस युवा दिवस महोत्सव के अवसर पर पधारे पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से युवा साथियों, मुझे आज आप लोगों के बीच में आकर के बड़ी खुशी हो रही है। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज के दो दिन के बाद हम अपना 78वां आजादी का पर्व मनाएंगे। मैं आपको इस पर्व की अग्रिम बधाई भी देता हूं, और आजादी पर, आजादी के लिए मर मिटने वाले युवाओं को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यह देश अपनी युवा शक्ति का विशेष रूप से कृतज्ञ है जिसने विदेशी शासन से भारत माता को मुक्ति दिलाने में असंख्य बलिदान दिए। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि कितने असंख्य युवाओं ने आजादी की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर किए हैं। आजादी के बाद भी भारत की दुनिया की महाशक्तियों में खड़ा करने में आप युवाओं का ही महत्वपूर्ण योगदान है। मैं इस सम्मेलन में आए हुए युवाओं के चेहरों पर जो उत्साह देख रहा हूं, उमंग व खुशी देख रहा हूं, वह इस बात का प्रतीक है कि हमारे युवा देश प्रदेश का ये बड़ा उज्जवल भविष्य है। मैं यहां पधारे सभी युवा साथियों का दिल से हार्दिक स्वागत भी करता हूं और आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे ये खुशी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय ये युवा दिवस दुनिया भर में हर वर्ष ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन युवाओं के योगदान और उनकी समस्याओं के प्रति
जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। इससे पहले हम 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा उत्सव के रूप में हम सब मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के एक आइकन हैं, उन्हें युवा शक्ति पर अत्यंत विश्वास था। उन्होंने कहा भी था कि तुम मुझे 100 युवा दो, मैं भारत को बदल दूंगा। ये आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी के शब्द हैं। आज का दिन ऐसी ही युवा शक्ति का दिन है। आज मैंने विश्व कौशल प्रतियोगिता तथा आरडीए के विजेता युवाओं को आज सम्मानित किया है। इसी प्रकार उद्यम प्रोत्साहन के लिए आईटीआई के 4 इंस्ट्रक्टर को उद्यमी ड्रोन अवार्ड से सम्मानित किया है। इसके अलावा हरियाणा कौशल विकास मिशन के उम्मीदवारों आईटीआई प्रशिक्षार्थियों को प्लेसमेंट ऑफर दिए हैं। स्कूली विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी जारी की गई है। मैं इन सभी युवाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज के समारोह में युवाओं के लिए जो 3 नई योजनाओं की शुरुआत की गई है, वे आपको रोजगार सक्षम बनाने में बड़ी कारगर सिद्ध होंगी। आप जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमो ड्रोन दीदी योजना में महिलाओं को कृषि के लिए उपयोग होने वाले ड्रोन देने की घोषणा की थी। हमने हरियाणा में आज इस योजना को विधिवत रूप से लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक 500 महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूह की 5000 महिलाओं को ड्रोन ऑपरेशन और रख रखाव का प्रशिक्षण देने का काम आज इस योजना के माध्यम से होगा। दूसरी योजना मैंने जिसका आज शुभारंभ किया है, वो योजना कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना उन युवाओं के लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री हासिल की है। इस योजना के माध्यम से 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे खुद अपना व्यवसाय शुरू कर सकें या वर्क कॉन्ट्रैक्ट के रूप में अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकें। और जो तीसरी योजना का मैंने शुभारंभ किया है, आईटी सक्षम योजना है। यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जो आईटी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इस योजना के माध्यम से हमारे युवा साथियों को अत्याधुनिक आईटी कौशल में प्रशिक्षण किया जाएगा और प्रशिक्षित आईटी सक्षम युवाओं को हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि आज मेरे युवा साथी आप हमारे राष्ट्र की बुनियाद हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी 65% आबादी 35 वर्ष युवा कम आयु की है। यह हमारे पास एक बड़ा बहुत बड़ी ताकत है। आप भविष्य के कार्यबल हैं और आप में स्वी आर्थिक विकास को गति देने की शक्ति है। आप में सामाजिक परिवर्तन लाने और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने की अपार क्षमता है। आज ऐसी युवा पीढ़ी तैयार हो रही है जो गुलामी के दबाव और प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो उन्होंने सपना लिया है, उनका मानना है कि विकसित भव्य और दिव्य भारत का निर्माण करने के लिए हमें 4 स्तंभों को और मजबूत करने की आवश्यकता है।
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों ये अमृत स्तंभ हमारी युवा शक्ति है, हमारी नारी शक्ति है, हमारे किसान हैं और हमारे मध्यम और गरीब वर्ग है। इसी प्रकार उन्होंने राष्ट्र का पहला स्तंभ अगर किसी को बनाया है तो युवाओं को बनाया है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। विकसित भारत का सपना सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी या किसी सरकार का नहीं है, बल्कि यह भारत के हर नागरिक का है। यह सबको साथ लेकर के सबके सपनों को साकार करने का संकल्प है। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत की युवा शक्ति, मुझे पूर्ण विश्वास है, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे युवाओं में बुद्धि और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उनमें सपनों को साकार करने का मेरे युवाओं के अंदर जज्बा है, जनून है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का युवा के अवसरों के नए क्षितिज खुल रहे हैं। हमारी सरकार इसके लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। स्किल युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है। लगातार स्किल में बदलाव करना और कुछ नया सिखाना समय की मांग है। आपकी क्षमता को आपके द्वारा दूसरों से अलग बनाती है। युवाओं की इस ताकत को सकारात्मक दिशा देने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अनेक कार्यक्रम राष्ट्र को दिए हैं। ये कार्यक्रम युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने, स्वयं रोजगार के लिए हुनरमंद बनाने, डिजिटल दक्ष बनाने और अपना कारोबार शुरू करने में सक्षम बनाने में कारगर सिद्ध हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों से युवाओं में एक नए उत्साह का संचार हो रहा है। मुझे ये खुशी है आज आप युवा साथियों के बीच में, हमने हरियाणा में युवाओं को आधुनिक रोजगार परक विषयों का शिक्षण व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए श्री विश्वकर्मा विकास विश्वविद्यालय की स्थापना हमने की है। मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 1,00,000 से अधिक युवाओं को कौशल प्रदान किया जा चुका है, ताकि वो युवा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना आज बहुत जरूरी है। इसलिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को गति से देने के लिए राज्य में अलग से MSME का विभाग का गठन किया गया है। मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि मुझे आपको यह कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए समय की मांग के अनुसार शिक्षा पद्धति में पर्याप्त बदलाव किए गए हैं। हमने इसके लिए स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। स्कूलों में, कॉलेजों में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU करने जैसे कारगर कदम उठाए हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा ये लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक मेरे राज्य का हर युवा हुनरमंद हो और वित्तीय रूप से समृद्ध हो। जब हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तब हरियाणा संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने युवाओं के स्वाभिमान और उनकी योग्यता का सम्मान किया है। योग्यता के आधार के ऊपर हमारी सरकार ने पिछले दिनों 1,44,000 युवाओं को सरकारी नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी आप लोगों के बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 7 महीनों में हमने लगभग
37,000 पद और भरने हम जा रहे हैं लगातार। अभी दो रोज पहले भी हमारी सरकार ने जो डी ग्रुप की और पंजाबी टीजीटी की जो वैकेंसी थी उनका रिजल्ट भी आउट किया है, जिसके अंदर 3,870 युवाओं को वो उनको ऑफर लेटर वो दिया गया है। आज मुझे ये खुशी है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो रही है, इसलिए पूरा विश्व आपकी पहुंच में है। इस समय विदेश में रोजगार तलाश करने वाले युवाओं की संख्या काफी अधिक है, लेकिन ये युवा कई बार विदेश भेजने का झांसा देने वाले जालसाजों के जाल में फंस जाते हैं। हमने उन्हें विदेशों में शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए विदेश सहयोग मिशन विभाग बनाया है। विदेश विभाग में रोजगार के अवसर तलाशने वाले युवाओं के कॉलेज में ही निशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब तक हमारी सरकार ने 35,000 से अधिक युवाओं के पासपोर्ट हमने कॉलेज के अंदर ही बना करके देने का काम किया है। स्टार्टअप और अनुसंधान के लिए भारत दुनिया भर में एक केंद्र के रूप में उभर रहा है। हरियाणा में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति बनाई गई है। इस नीति के तहत युवाओं को आर्थिक व तकनीकी सहायता देकर उन्हें अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेरा युवाओं से अनुरोध है कि आप स्टार्टअप शुरू करके आगे बढ़ने का काम करें। हमारे युवाओं की जो खेलों में उपलब्धियों का जिक्र होते ही हमारा सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है। मुझे खुशी है अभी ओलंपिक गेम के जो पेरिस में गेम चल रहे हैं पैरा ओलंपिक के, हमारे हरियाणा के युवाओं ने भारत का नाम दुनिया के अंदर चमकाने का काम किया है। आज मैं इस अवसर के ऊपर उन सभी युवाओं को जिन्होंने भारत का सम्मान ऊंचा किया है उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। मुझे खुशी है कि देश के अंदर 5 पदक हमारे हरियाणा के युवाओं ने जीत करके देश का और प्रदेश को गौरवान्वित करने का काम ये हमारे युवाओं ने किया है। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हमारी सरकार, आप सब जानते हैं कि जो हमारा युवा मेडल गोल्ड मेडल लेकर के आता है या सिल्वर मेडल लेकर के आता है, कांस्य पदक लेकर के आता है, हमारी सरकार उन युवाओं को भी सम्मानित करने का काम करती है। गोल्ड मेडल के लिए हमारी सरकार 6 करोड़ रुपए का इनाम उनको कैश के रूप में देने का काम ये हमारी सरकार करती है, जिससे कि हमारे युवा और इसमें आगे बढ़ करके अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सके। ये हमारी सरकार का एक नीति है और उस नीति के तहत हमारे युवा अवार्ड जो लेकर के आ रहे हैं, पदक लेकर के आ रहे हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आज खुशी है कि आज हमने यहां पर जो भारत के लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी जितनी अधिक होगी देश व प्रदेश में का भविष्य भी उतना उज्जवल होगा। मैं इसलिए हमारे युवाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी उनको नेतृत्व की मैं उस सोच को भी मैं बधाई देता हूं। राजनीति में आपकी भागीदारी वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को समाप्त कर देगी। मेरा आप लोगों से आग्रह है, युवा साथियों से, कि आप राजनीति के अंदर भी मुखर हो करके आगे नए नए उसमें प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा कहने का ये भाव है कि हम युवाओं को स्वाभिमानी, स्वावलंबी और रोजगार सक्षम बनाने के लक्ष्य की ओर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको आगे बढ़ने के 5 मंत्र मैं बताना चाहूंगा। जीवन में आपका लक्ष्य, अपना लक्ष्य निर्धारित करें और इस लक्ष्य को
प्राप्त करने के लिए एकलव्य की भांति लगे रहें और अपनी सोच सकारात्मक रखें। आप अनुशासित और धैर्यवान बने और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग के साथ आप अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें। राष्ट्र व समाज की सेवा के लिए त्याग और समर्पण की भावना रखें। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर, जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, इसके ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमने कुछ निर्णय किए हैं कि हमारे प्रदेश के जो युवा हैं उनको आगे सरकार लगातार सपोर्ट करती रहती है ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो। मुझे आज खुशी है कि आज मैंने पिछले कुछ दिनों से युवाओं के हितों में कई अहम फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं। पिछले 7 महीनों में हमने देखा है कि 37,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। वहीं 8 अगस्त को आउटसोर्सिंग सेवाओं में वह हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत हमारी सरकार ने 1,20,000 युवाओं की नौकरी को सुरक्षित करने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है ताकि उन युवाओं को पक्के कर्मचारियों की तरह सारी सुविधाएं मिले। ये काम भी हमारी सरकार ने किया है। युवाओं से मुलाकात के दौरान मेरे ध्यान में यह बात लाई गई कि सक्षम युवा योजना में पंजीकृत युवाओं को मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते व अन्य स्नातकोत्तर बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्ते में असमानताएं हैं। मैंने इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से विचार किया है और विचार करके मैंने ये निर्णय किया है कि हम 1 अगस्त 2024 से जो बेरोजगारी भत्ता है मैं उसको बढ़ाने की आज इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर के ऊपर मैं घोषणा करता हूं। अब सक्षम युवा योजना व बेरोजगारी भत्ते के तहत 12वीं पास पात्र बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता पहले 900 रुपये था, अब उसको बढ़ा करके 1200 रुपये करने की घोषणा मैं करता हूं। स्नातक का बेरोजगारी भत्ता पहले 1500 रुपये था, अब उसे बढ़ा करके मैं 2000 रुपये मैं करने की घोषणा करता हूं। और स्नातकोत्तर का बेरोजगारी भत्ता 3000 रुपये था, अब उसको 3500 रुपये बढ़ाने का, मासिक 3500 रुपये बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। इस योजना से हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 2,61,000 हमारे युवा साथी हैं, उनको इस योजना से लाभ मिलेगा। मुझे ये भी खुशी है, अभी हमारे जो मेरिटोरियस बच्चे थे जिनको अभी हमने सम्मानित किया है, हमने पहली बार ये मेधावी योजना इसको लागू किया है। और मेधावी योजना जो गरीब परिवार के बच्चे हैं और ऐसी समाज के हमारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं सरकारी स्कूल के अंदर, पढ़ करके जो 90% से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आते हैं, हमने ऐसे मेधावी छात्रों के लिए 12वीं कक्षा की परीक्षा में जो 90% से अधिक अंक लेकर के आए हैं उनको 1,11,000 रुपये का पुरस्कार देने का आज हमने काम किया है। इसके तहत हमारे लगभग हरियाणा प्रदेश के 700 विद्यार्थियों को इस पुरस्कार राशि का वो लाभ आज मिला है, उनके खाते के अंदर ये पैसा चला जाएगा। कुछ युवाओं को हमने इस आज जो सक्षम योजना जो शुरू की है इस योजना के तहत उन तक ये लाभ पहुंचेगा। मैं आज आप लोगों के बीच में एक और ये बात मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नमो ड्रोन दीदी योजना में महिलाओं को कृषि के लिए उपयोग होने वाले ड्रोन देने की घोषणा की थी, हमने हरियाणा में, मैं आज इसकी घोषणा करता हूं कि इस योजना को विधिवत रूप से आज से हरियाणा में भी ये लागू हो जाएगी। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक हम 500 महिला स्वयं सहायता समूह की 5000 महिलाओं को ड्रोन ऑपरेशन और रखरखाव का प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे महिलाएं ड्रोन पायलट बन करके कृषि क्षेत्र में किसानों की सहायता कर सकेंगी
और स्वयं रोजगार के नए अवसर वो कर सकेंगी। ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत हम महिला सहायता समूहों को वाणिज्य उद्देश्यों के लिए ड्रोन खरीदने के लिए ड्रोन और सहायक उपकरणों की लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए की सब्सिडी देने की आज मैं घोषणा करता हूं। मुझे ये भी इस ड्रोन दीदी योजना की अनुमानित परियोजना लागत 54 करोड़ रुपए वो है, जिसका लाभ हमारी बहनों को मिलेगा। और जो दूसरी योजना हमने आज यहाँ पर लॉन्च की है, कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना, कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना उन युवाओं के लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री हासिल की है। इस योजना के माध्यम से 10,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे खुद अपना व्यवसाय शुरू कर सकें या वर्क कॉन्ट्रैक्टर के रूप में अपने कैरियर की वो शुरुआत कर सकें। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को अपनी फर्म के लिए पैन, टैन और जीएसटी टीन आदि प्राप्त करने होंगे और फर्म को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र के बाद युवाओं को 1 साल के लिए 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त बैंक ऋण देने का भी प्रावधान आज मैं इसके अंदर करता हूं। इससे हमारे वो युवा साथी जो पंचायती राज और नगर पालिकाओं के कार्यों के लिए 25 लाख रुपए तक के ठेके ले सकेंगे, अपने कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे, आज इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और आईटी सक्षम युवा योजना जो तीसरी घोषणा हमने की है, यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जो आईटी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इस योजना के माध्यम से हमारे युवा साथियों को अत्याधुनिक आईटी कौशल से प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें कोडिंग, जावा, डाटा, नेट और पीएचपी, वेब डिजाइन, नेटवर्किंग, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग और अन्य उभरती प्रौद्योगिक शामिल है। इसके लिए हार्ट्रॉन हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी व हरियाणा द्वारा नामित अन्य एजेंसियों द्वारा पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। प्रशिक्षित आईटी सक्षम युवाओं को हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। विभिन्न या योजना के पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा और इस योजना का लाभ मेरे युवा साथियों को वो मिलेगा। नागरिक संसाधन सूचना विभाग इस प्रशिक्षित योग्य आईटी सक्षम युवाओं को किसी भी विभाग या निजी संस्था में रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, जिसकी अवधि 2 साल तक हो सकती है। प्रथम 6 माह में 20,000 रुपए प्रति माह और उसके बाद 25,000 रुपए प्रति माह का वार्षिक वेतन भी देने का दिया जाएगा। आईटी सक्षम युवा जो तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें भी सरकार 10,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेगी। यह अधिकतम 1 साल के लिए आईटी के छात्रों के युवाओं के ऊपर ये लागू होगा। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वार्षिक इसमें जितने भी हमारे युवा साथी हैं जो आईटी में प्रशिक्षण लेकर के अपने कार्य को आगे बढ़ाने का काम वो करेंगे और इससे हमारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को एक बड़ा लाभ वो मिलेगा। आज मैंने जितनी ये घोषणाएं युवाओं के हित में की है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे युवा साथी आगे बढ़ करके इन योजनाओं का भरपूर लाभ लेंगे और आत्मनिर्भर भारत में अपना महायोगदान देंगे। आज आप सब इतनी भारी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर के ऊपर आज यहाँ एकत्र हुए हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत पुनः बधाई और साधुवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के।
वंदे। जानकारी आपको दे रहे हैं, आपको बता दें आज के दो दिन बाद आजादी का पर्व मनाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इन बात का जिक्र किया है। युवाओं के लिए नई योजना की शुरुआत की गई, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, इसका संकल्प लेकर चल रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार। युवा देश का भविष्य है। आज के दो दिन बाद आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में किया है। आपको बता दें पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और तमाम बड़ी घोषणाएं उन्होंने अपने संबोधन में की हैं। युवाओं के लिए खास जो है घोषणाएं मुख्यमंत्री